ट्रैफिक की समस्या से केवल घोड़बंदर रोड के लोग ही नहीं बल्कि आज देश के हर शहर में ये समस्या हो चुकी है, और इसी में से एक वर्ग ऐसा है जो इसका विक्टिम है, वो है कि ऑटो ड्राइवर्स। जी हाँ, आपको ज़रूर लगता होगा कि ट्रैफिक ऑटो ड्राइवर की वजह से भी ख़राब होती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, पर पूरे तरीके से इन्हें जिम्मेदार ठहराना गलत है। तो आज हम ऑटो ड्राइवर्स की टीम से मिलेंगे, ना केवल उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि आखिर रोड पे उन्हें क्या समस्या होती है, और उन्हें भी जस्टिस फॉर घोड़बंदर रोड की टीम का हिस्सा बनाएंगे ताकि उनके सपोर्ट से भी हम ट्रैफिक को और बेहतर कर पाएं। अगर आप हमें समस्या बताएंगे तो ही हम समस्या को सुलझा पाएंगे, और तभी हम वो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उस पर भी काम कर पाएंगे। तो आपको जो भी लगता है, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात भर, है ना, लगभग 12 से 14 घंटे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारी समस्या देखते हैं, एक्सीडेंट्स देखते हैं, गड्ढे देखते हैं, तो आपको जो भी लगता है वो बताइए हमें। है ना कि जैसे जैसे सर्विस रोड है उसको पूरा खोद दिया है, अभी हमारे आनंद नगर पे ही जैसे साइड में जो बनाया है ना, इतने खड्ढे हैं कि पूछे मत, उस पर गाड़ी जैसे लगता है कि पलटी हो जाएगा, ऐसा इस तरह की समस्याएं हैं। और जी, मतलब बीच बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आती है। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको क्या झेलना पड़ता है? आपको क्या, हम 7 बजे गाड़ी निकलते हैं, ये ट्रिप मारने के लिए 2 घंटा लगता है थाना जाने के लिए, उसमें जो ट्रैफिक का बहुत परेशानी हमको, बाकी कुछ नहीं बोलते। आपके हिसाब से पैसेंजर लोग का क्या रिस्पांस होता है जब वो गाड़ी बोलते हैं ना मैम कि भैया थोड़ा जल्दी लो, कहाँ चलेंगे हम लोग, जब ट्रॉपिक ही यहाँ से मादीवाड़ा से कपड़ा जाने के लिए, टीचिंग जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगता है, हमको आने के लिए 1 घंटा लगता है, मतलब समझो कि ऐसा कम्पम की 1 या 1.5 घंटा पकड़ लो थाना जाके आने के लिए। तो आप लोग, जैसे मैं समझती हूँ कि ट्रैफिक होता है, तो ऐसे में क्या जायज़ है कि आप लोग सिग्नल तोड़ें, जल्दी जल्दी चलें, ऑफ ट्रैक जाना ठीक लगता है क्या आप लोग? नहीं नहीं, सिग्नल तो हम लोग वो गवर्नमेंट का हम पालन करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट का पालन करते, सिग्नल नहीं तोड़ते। मैं हमको बोल देता हूँ भाई आपको जल्दी है तो आप दूसरा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग ऐसा करते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि ऑटो ड्राइवर्स भी सिग्नल तोड़ते हैं, सिग्नल ही नहीं तोड़ते हैं, ट्रैफिक वाला भी देखते तो उनको नहीं सुनते हैं। बहुत लोग बहुत ईमानदारी से सिग्नल को भी फॉलो करते हैं, हम लोग जब रोड पर खड़े होते हैं तब उनको भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। पर हम जो आपसे सपोर्ट चाहते हैं, हम आपको अपना जस्टिस फॉर घोड़बंदर रोड की टीम का हिस्सा बनाएंगे। इसके दौरान हम आपको डेली बेसिस पे जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ब्रेकडाउन्स हैं, या फिर कहीं ट्रैफिक फंस गया, उस सब चीज़ के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग से भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप चलते टाइम आपको ऐसा लगे कि रोड ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी चीज़ है, तो हमें ग्रुप में इन्फॉर्म कीजिए, इमीडिएटली हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और पुलिस से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आपने अभी सुना ही होगा कि ऑटो ड्राइवर्स को भी काफ़ी समस्या होती है, इसीलिए उनको भी हमने अपना टीम का हिस्सा बनाया है। और आप में से कोई भी ऐसा है जिन ऑटो ड्राइवर्स को जानता है, हमें उनसे जोड़िए, क्योंकि जब तक हम पूरे थानेकर को नहीं जोड़ लेते, हम ट्रैफिक की समस्या को 100% सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपका सहयोग बना रहा तो जल्दी हम इस ट्रैफिक को परमानेंटली सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। थैंक यू। Thank you.